तक, लेकिन हम सबकी भावना गृहस्थी में। अब करवा चौथ है, चंद्रदेव की उपासना कर रहे, व्रत रह रहे हैं, अपने पति के लिए रह रहे हैं, अपने प्रभु के लिए रह रहे हैं। अब भावना बदलने के विषय है, कार्यक्रम बदलने थोड़ी कि अब घर गृहस्थी में तो अब तो जितने भी भागवतिक अनुष्ठान वो सब बंद कर दे, ऐसा तो नहीं पाया गया, ऐसा भाव नहीं पाया गया। अनन्यता अपने इष्ट की और अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब इष्ट स्वरूपों की आराधना करना। आप समझ पा रहे हो इसमें? कोई संशय आपको लग रहा है? तो बस बच्चों को क्या, हमको भी वही करना है। महाराज जी, पिछले 1.5 वर्ष से आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त है, जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, एक नाम में इष्टाकार वृत्ति होने के बाद ग्रस्त में बच्चों को धर्म की शिक्षा और संस्कार देने के लिए मेरा क्या धर्म है? घर पर बच्चे चाहते हैं कि जैसे महाशिवरात्रि हो तो शिव जी की, गणेश चतुर्थी हो तो गणपति जी, नवरात्रि हो तो अम्बा माता जी की पूजा अर्चना अच्छे से हो, परंतु मेरा मन सब में इतना नहीं। जैसे हमारे पति हमारे प्राण प्रिय हैं, पर हम समय पर सास की सेवा करते हैं, नंद को भी अनुकूल लगते हैं, देवर को भी अनुकूल लगते हैं, ससुर को भी अनुकूल लगते हैं, आए हुए रिश्ते नातेदारों को भी अनुकूल लगते हैं, लेकिन पति तो पति ही है ना। और ये सब पति की प्रसन्नता के लिए करते हैं, क्योंकि वो पति की माँ है इसलिए उसकी सेवा, वो पति का पिता है इसलिए उसकी सेवा, वो पति के घर में आया हुआ अतिथि इसलिए उसकी सेवा। तो आप हमारे समझ रहे ना, हम जिन प्रभु से प्रेम करते हैं, जिनका नाम जप करते हैं, वो तो हमारे प्राण प्रिय हैं। लेकिन अब जैसे नवदुर्गा आ गए तो अम्बा की सेवा कर रहे हैं, उससे हमारे पति प्रसन्न होंगे, प्रभु प्रसन्न होंगे। शिवरात्रि आ गई तो परिवार घर गृहस्थी में हम शिव उपासना कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी तो गणेश जी की कर रहे हैं, आए हुए अतिथि की सेवा, घर परिवार के रिश्ते नातों की सेवा। तो हम भगवान के इन स्वरूपों को ऐसे देखते हैं, भाई हम कोई हमारी माँ है, कोई हमारे पिता है, जैसे भगवान शंकर पिता, अम्बा जी माता, गणेश जी। तो हम जो जो उत्सव आते हैं, जो जो त्योहार आते हैं, वो सब करते हैं, पर करते हैं अपने पति की प्रसन्नता के लिए। अब अगर उसकी परीक्षा ली जाए, सास बोले, ससुर बोले और रिश्ते नातेदार सब बैठे हैं, तो पति के एक तरफ किया जाए और उनको एक तरफ किया जाए, तो पति के पक्ष में एक सेकंड में होकर सबका त्याग कर देगी।
क्योंकि वो पति के लिए ही सबकी सेवा कर। ऐसे ही हम सब भगवत स्वरूपों की आराधना करें, लेकिन हमारा हृदय भगवान के किसी एक रूप में आसक्त हो जाए। जैसे हम राम जी को बहुत सावधानी से उपासना खंडन नहीं करती, उपासना मंडन करती है, उपासना प्रेममयी है। उपासना में कलह अशांति जहां झगड़ा हो तो जान लो त्रुटि है, वो समझ नहीं पा रहा है। हाँ, एक निष्ठा आती है जैसे मीरा जी की, और वो अब चरम सीमा। अब जैसे पीएचडी की बात और कक्षा एक की बात, ये बात जो हमने कही ये सम भक्ति की है, और एक अनन्य भक्ति का स्वरूप आता है मीरा जी का। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब उनकी ननंद और सास कह रही कि चलो देवी पूजन करने, अगर आप देवी पूजा नहीं करेंगी तो हमारे कुल की रीति टूटती है। उनका नहीं, हम तो कोई अन्य देवी देवता मानते ही नहीं, हमारे तो जो कुछ गिरधर गोपाल। वो स्पष्ट कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ननंद जो थी वो विधवा थी, तो उन्होंने मीरा जी ने पूछा देवी पूजन का फल क्या होता है, तो बोले सौभाग्य बढ़ता है। बोले आपने नहीं पूजा क्या, आपका तो वैधव्य मतलब सुहागे उजड़ गया। उसी दिन से वैर मानती थी, और वो देवर मिल करके पूरे जीवन भर मीरा जी को कष्ट देते रहे, पर अपनी निष्ठा से विचलित। अब ऐसी भक्ति जब हमारी आ जाएगी तो बात अलग हो जाएगी। अपने को, हाँ अभी अपने को संभाल के चलना है कि हमें परिवार भी चलाना है, समाज भी देखना है, तो हमको जब जो त्योहार तिथि आवे सब खुल के मनाओ और उसका फल मांगो कि अपने इष्ट देव के चरणों में प्रेम हो।